लेकर हाजिर है, जैसा कि आप सब करते थे यार, कुछ न्यू स्ट्रेटेजी 8 का अटैक्स के दिखाओ। सो मैं आप सबके बीच टॉप 5 अटैक्स लेकर आया हूँ, सो कि बहुत बेसिक सी अटैक्स है एंड लाइव अटैक है आप सबके बीच। सो फिलहाल आप सब देखते रहो अटैक्स और मजा आएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई। एंड जैसा कि आप सबको देख सकते हो, ये प्रॉपर बेस है 8 का एंड मेरे पास पूरी मैक्स बेस है। एंड भाई हमारा अटैक्स स्ट्रेटेजी जो प्लेयर ट्रूप्स है आपके सामने है, पेक्का एंड विजार्ड एंड अर्थ स्पेल एंड एक रेंज स्पेल। सो लाइटिंग स्पेल का कोई यूज नहीं है ब्रो, बस मैंने वो ऐसे ही ले लिया। सो फिलहाल देखो, हम लोग अर्थ स्पेल से बीच का कंपार्टमेंट उड़ाएंगे भाई। आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा बेस मिलता है, बट आप ऐसी जगह मतलब उसको तोड़ना जहां से आपका बेस में फनल बन सके एंड बाकी सब पेक्का जो हो आपका बीच में जाए। दो पेक्का से फनल बनाना है एंड दो भिजाट भिजाट छोड़ना है ताकि पेक्का अच्छे से पेक्का को मतलब मूवमेंट करा सके भिजाट। एंड जैसा कि आप सब देख सकते हो भाई, अच्छा मूवमेंट जा रहा है एंड सारे पेक्का अंदर की ओर गए, बारबेरियन भी अपना अंदर गया। सो फिलहाल एक रेंज डालेंगे एंड रेंज डालने के बाद अभी हम लोग देख सकते हो भाई पेक्का अंदर की ओर है एंड हिडन टेस्ला भी कुछ नहीं कर पाएगा भाई, एक शॉट का मेहमान है पेक्का का। सो आप सब जानते हो यार, पेक्का इज मोस्ट पावरफुल ट्रूप्स एंड बेस्ट ट्रूप्स होता है भाई, पेक्का बहुत ही पावरफुल होता है। सो एट के भाई बेसिस के सामने भाई पेक्का बहुत हैवी है, सो इसीलिए मैंने नंबर 1 पे पेक्का अटैक रखा। सो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा एंड सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएगा। सो फिलहाल देख सकते हो राइट साइड में मैंने भाई पूरी की पूरी अभी बची अर्चर जो है, छोटी मोटी अर्चर भाई, उससे थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं। सो पेक्का में क्या होता है ना भाई, थोड़ी सी टाइम की इशू हो सकती है, बट ये देख सकते हो भाई मेरे पास एक पेक्का नहीं, दो पेक्का बचे हुए हैं एंड बारबेरियन भी बचा है, पीछे से एक और उसके पेक्का है, फिर उसके छोटे छोटे केची बेची है, फिर उसके पीछे विजार्ड अपना है। सो फिलहाल यार आसानी से 3 स्टार मैंने निकाल लिया। सो आप सब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि यार अटैक आप लोग को कैसा लगा एंड इस स्ट्रेटजी को आप लोग कितने लोग आजमाए हो। सो फिलहाल भाई ये अटैक भाई एट्स वाले हैं, जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए है। सो भाई जो प्रो बंदे हैं तो उनके लिए नहीं है ये वीडियो। सो देख सकते हैं भाई, प्लीज वो भी कमेंट में सजेस्ट दे सकते हो कि आपने गलत किया या सही किया, सो मुझे बता सकते हो सो मेरे भाई। सो फिलहाल दूसरे अटैक्स पे आपका है जो कि वॉल्कैरी अटैक एंड इस वॉल्कैरी अटैक में हम लोग भाई करेंगे ऑसम वाला अटैक। एंड दूसरा अटैक ये देख सकते हो, ये आपके सामने बेस है एंड यार इस बेस में देखो आपको हमें क्या करना है कि जितनी सारी वॉल्कैरीज हैं, जितनी भी सारी वॉल्कैरी अंदर की ओर जानी चाहिए एंड गोलम के साथ जानी चाहिए, वरना भाई 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 बैंड बजने वाली है। तो फिलहाल हम लोग अर्थ स्पेल इसमें भी यूज करेंगे क्योंकि वॉल्कैरी अंदर की ओर जाए एंड भाई जैसा कि आप सब देख चुके हो बीच का कंपार्टमेंट उड़ाया ताकि भाई दोनों तरफ की अर्चर टावर को ले सके एंड जैसा कि गोलम छोड़ा गया अंदर की ओर जा भी रहा है अच्छा खासा। और भाई सीसी में बलून निकला भाई, अभी तो भाई पुंगी बजने वाला है। सो आप लोग क्या लगता है हमारा पुंगी बजेगा? सो हम लोग के पास एक पॉइजन है, पॉइजन डालेंगे बट अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे, देखते हैं अगर विजार्ड मार देता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वैसे वॉल्कैरी छोड़ दिया, पेक्का भी छोड़ दिया साथ में एंड भाई अभी डाल देते हैं क्योंकि भाई घातक साबित हो सकता है एंड बीच में एक रेंज डालेंगे ताकि वॉल्कैरी अच्छा वर्क करें एंड बीच के कंपार्टमेंट को तेजी से सारे के सारे साफ करें ताकि पेक्का भाई डाउन ना हो पाए। फिलहाल वॉल्कैरी बहुत अच्छा भाई नीचे की तरफ आ रही है, विजार्ड टावर को भी डाउन किया एंड भाई साहब ओपी। अभी एक पेक्का अंदर की ओर गया एंड गोलम दोनों अंदर की ओर जा रहे हैं। यार ये क्या वॉल्कैरी बाहर कहाँ घूम रही है यार, अलग ही है यार, सच में लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है भाई, आप सब जानते होंगे। सो मुझे बता देना यार कमेंट सेक्शन में, वाकई लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है? सो यार देख सकते हो यार कितनी भारी कुल्हाड़ी लेकर घूम रही है, बट बाहर घूम रही है यार, क्या ही है यार। और सोचो यार पेक्का, बोलते हैं ना कि वाकई बॉयज में बहुत सी दिमाग होती है, बट यार वो अकेला बेचारा सामना कर रहा है सोचे टावर भाई कैनन एंड विजार्ड का। सो बारबेरियन भी अंदर की ओर चला गया बट यार बट वॉल्कैरी देख रहे हो अभी लास्ट में गई, वो भी पेक्का जब आया तब, तो वाकई यार लड़कियां कितनी भी हो जाए जस्ट फनी यार, मैं मस्ती कर रहा हूँ।
फिलहाल यार प्लीज, ये भी अटैक अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको अटैक वल्कैरी पेकास अटैक। गोलम ये अटैक था एंड प्यारा सा अटैक था। दूसरे नंबर पे इसलिए रखा भाई इसको, भाई ओपी था। एंड तीसरे नंबर पे भाई आपका हॉक अटैक आ गया गोलम, जो कि इसमें भी हम लोग अर्थ स्पेल यूज करेंगे एंड दो भाई हीलिंग स्पेल यूज करेंगे। आप सबके बीच भाई इसमें सीसी भी यूज करेंगे, सीसी में बॉलर को यूज करेंगे। बॉलर का यूज कहाँ है, क्यों है, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो भाई हॉक राइडर क्या सीन होती है, हॉक राइडर का हेल्थ बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इसमें सीसी का यूज करना पड़ेगा आपको। बट यार ये स्ट्रेटजी भाई बहुत ही पावरफुल है स्ट्रेटजी, सच बता रहा हूं। अगर आप इसको यूज करके एक बार देखना एंड भाई अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड मेरे भाई बंधु यार देखो, मैं एक अर्थी स्पेल से जैसे कंपार्टमेंट हमेशा बताता हूँ भाई, बीच का कंपार्टमेंट लो जो लगे कि आप इस साइड से घुसने लायक है। फिलहाल अभी एक दो साइड से गोलम छोड़ेंगे ताकि भाई उसके पीछे भी जाट दो दो भाई, ताकि फनल बन जाए। फिर उसके जस्ट जस्ट पीछे से भाई राइट साइड से तो अपना बारबेरियन तो पीछे छोड़ दिया गया, ठीक है। एंड फिलहाल अभी बॉलर उसके पीछे ड्रॉप किया एंड भाई राइट साइड से, मैंने बोला राइट साइड से अपना छोड़ देता हूँ, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। फिलहाल राइट साइड से जा रहे हैं एंड भाई वहां पे हीलिंग देते हैं, उससे पहले ही भाई बम टावर था तो थोड़ा सा डैमेज हुआ इसलिए। और बॉलर भी अच्छा काम कर रहे हैं, हॉक भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे टावर को टेक डाउन कर चुका है, एयर डिफेंस को टेक डाउन कर चुके एंड भाई साहब बॉलर देख सकते हो आप लोग भाई ओपी वाला काम कर रहे हैं भाई सब बॉलर। तो भाई बॉलर एक हील स्पेल और भाई बचा, वैसे तो कुछ होता नहीं टूट जाएगा, बट मैंने हील स्पेल इसलिए दिए भाई कि रिक्स नहीं लेना है मुझे। एंड जैसा कि आप सब देख सकते हो आसानी से भाई 3 स्टार आपके सामने। फिलहाल ये भी भाई आप सब प्यारे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़े मेरे चलने, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा एंड प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे भाई बंधु एंड फिलहाल यार देख सकते हो बहुत ही आसानी से मैंने 3 स्टार निकाल चुका। एंड मेरे भाई आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा, नहीं तो भाई ये अपना बारबेरियन का देख रहे हो ना मुक्का भाई, बहुत जोरदार मुक्का है। भाई पड़ती है तो भाई लोग उड़ते नहीं, उड़ जाते हैं। फिलहाल यार अमेजिंग सा ये भी अटैक 3 स्टार। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटजी। मेरे भाई बंधु यार नेक्स्ट अटैक पे चलते हैं एंड नो इस अटैक का नाम है मेरे भाई ड्रैगन प्लस पेका एंड हॉक भाई। ओपी अटैक है एंड ये अटैक भाई स्ट्रेटजी बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही अच्छे से अटैक से आप कर सकते हो। इसका सीन क्या है, आप लोग भाई किसी भी बड़े पैमाने पे अटैक करो तो भाई अच्छे से अटैक जाएगा। बस थोड़ी सी दिमाग यूज करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि देख सकते हो आपके सामने इतना बड़ा भाई, इसमें 3 हील स्पेल एंड एक रेंज एंड एक बैट का स्पेल यूज होगा। आप सब याद रखना बैट स्पेल कब यूज करना है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में मतलब वीडियो में देख ही रहे हो, पूरा देखिए एंड मुझे बताइएगा। मैंने पहले एक भाई आपका ड्रैगन छोड़कर फनल बनाया थोड़ा बहुत भाई, ताकि अंदर से ये विजार्ड टावर को डाउन कर सके एंड भाई पेक्का छोड़कर भाई कुछ विजार्ड छोड़कर ताकि अर्चर टावर को डैम बहलाए फुसलाए रखे। एक पेक्का और छोड़ देंगे एंड भाई एक पेक्का छोड़ने के बाद आप देख सकते हो भाई विजार्ड नीचे की तरफ से एंड भाई अपना हॉक पूरी नीचे की तरफ से जाएगी, ठीक है। हॉक अपना अच्छा काम करेगा एंड विजार्ड टावर को टेक डाउन करेगा एंड अर्चर टावर को टेक डाउन। भाई यहाँ बम यार जाइंट बम निकल गया वो भाई। कोई बात नहीं यार, यहाँ पे हिल डालेंगे थोड़ा सा हिल अप मिल जाएगा एंड भाई भाई ये यार किची बिची जो निकलते हैं ना भाई ये बहुत खतरनाक होते हैं हॉक के लिए। एंड भाई एक स्पेल और देंगे ताकि भाई अपना बैट हॉलर सॉरी सॉरी यार हॉक को अपना बचा रहे। देख सकते हो मेरे भाई फिलहाल हम लोग का बारबेरियन भाई उस पर बहुत घातक साबित हो रहा है हॉक पे एंड भाई अपना हॉक यार पूरी मर चुकी है। फिलहाल कुछ नहीं सीसी बचा है भाई, सीसी में से अब भी देखो मेरे भाई। सीसी को यूज करना पड़ेगा, मैंने सोचा भाई सीसी को ना यूज करें बट यार सीसी देखो भाई रूप में कुछ खास बचा नहीं भाई। अगर सिंपल सी बातें हैं, अगर सीसी नहीं छोड़ेंगे तो भाई 3 स्टार होने में कम चांस है। फिलहाल हो जाएगा बट टाइम से ऑफ होगा भाई। आप सब सीसी छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो बट सीसी छोड़ना जरूरी है यार, जैसे कि सीसी निकल रहा है तो सीसी छोड़ना ही पड़ेगा भाई।
देखो सिंपल सी बात है, लास्ट में सीसी का यूज करना जो बैट होता है, ठीक है ना। एंड बैट का मैंने यूज किया भाई, ऐसा कुछ नहीं सीसी का मतलब सब कुछ नहीं, बस एक छोटा सा स्पेल यूज किया। सो मेरे भाई पूरे अच्छे से भाई टाइम इशू ना, इसलिए मैंने किया। सो आप सबको दिख रहा हो, सो मुझे अच्छा लग रहा हो भाई अटैक, तो प्लीज यार प्लीज प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके। सो मेरे भाई बंधु यार आपको अटैक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो फिलहाल देख सकते हो भाई ओपी 3 स्टार मैंने इस स्ट्रेटजी से सो निकाला। सो आप सब मुझे बता दो यार कैसा लगा। एंड भाई अभी चलते हैं भाई, ये भी ट्रू ट्रेन हुआ है भाई ओपी यार। सो हॉक वाला ट्रू ट्रेन बूस्टिंग बूस्टिंग लगाएंगे भाई, एंड एक एक और बैट ले लेंगे। एंड जैसा कि बॉलर लिया गया था तो भाई अभी अर्थ लेंगे बैट को अटैक कर, ठीक है। सो अर्थ ले लेंगे, एक भाई मिनियंस भी मिल रहा था ओपी, सो मिनियंस को ले लेते भाई। बट यार थोड़ा देखते हैं अगर सीन होता है कि नहीं। सो अटैक वही रहेगा सो पिछला वाला। सो इस पे इस बार थोड़ा सा मोर स्ट्रेटजी के साथ दिखा रहे हैं, सो आप सब देखना भाई। देखो दूसरा डिफेंस है, हार्ड डिफेंस है, एंड भाई इसमें सारे के सारे भाई मैक्स आउट डिफेंस है। सो आप सब देख सकते हो पूरी पूरी मैक्स आउट डिफेंस है। तो इसमें क्या है, बस छोटे छोटे बम बाकी है, तो भाई कर रहा है, तो एक ही बाकी है सो कर रहा है, बाकी सब फुल मैक्स है। बट यार सिंपल से स्ट्रेटजी है, फिर से बता दे रहा हूँ। सो मेरे भाई बंधु जो लोग नहीं कर रहे, सो ये बहुत पॉपुलर, बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही बेस्ट अटैक है, सो इसको यूज जरूर करिएगा। एंड ये थोड़ा हार्ड है बट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको फनल सही बनाना है भाई। देखो जैसे कि मैंने जानबूझ के भाई गिराया बीच में, कि बाई चांस आपका फनल नहीं बन पाता है, या मतलब वॉल ब्रेक नहीं हो पाता सीधे की अंदर की तरफ टूट नहीं आते, तो कैसे करने है? ठीक है, तो पहले मैं राइट जैसे कि फनल के लिए मैं छोड़ूंगा एक साइड राइट लेफ्ट दो साइड में गोलम एंड दो दो विचार छोड़ूंगा, ताकि भाई वो फनल अच्छे क्रिएट कर सकें। एंड फिर उसी के पीछे बारबेरियन छोड़ेंगे, ताकि बारबेरियन अंदर की ओर आ सके। जैसा कि आप सब देख सकते हो भाई हमारी बारबेरिन अच्छा काम कर रही है, एंड विजार्ड भी बहुत सही हम लोग छोड़ रहे हैं। सो उसी के साथ साथ भाई हॉक छोड़ेंगे, क्योंकि भाई हॉक भाई अभी क्या है ना, सारे के सारे डिफेंसिव बारबेरियन पे एंड गोलम पे एक्टिव है, मतलब मारने पे। सो फिलहाल आप सब देख सकते हो मैं एक छोटा सा हील अप दूंगा एयर डिफेंस के पास, एंड एक भाई अपना बॉम्ब टावर जब बोला है भाई उसके पास दे दिया था। सो भाई यहाँ पे एक और देंगे हील, जो कि भाई देख सकते हो भाई अपना ब्रिजार्ड टावर्स के पास, क्योंकि भाई एंड भाई साहब अपना देखते क्या होता है, हो बचता है कि नहीं। हॉक तो गायब हो गए भाई, मतलब मर चुके हैं। एंड भाई अपना ब्रिजार्ड है सो अच्छा काम करेगा यार। एंड भाई देख सकते हो भाई गोलम भी अपना बाहर की ओर टहल रहा है भाई ओपी भाई। सो बट यार अच्छा है वो डिफेंस को बहकाया हुआ है, जितने भी डिफेंस को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया। सो फिलहाल देख सकते हो बॉलर भी अच्छा काम कर रहे हैं अंदर से भाई, बॉलर और बारबेरियन दोनों, बारबेरियन की फुल एबिलिटी बची हुई है। सो अभी क्या लगता है कि 3 स्टार हो पाएगा मेरे भाई, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड भाई मेरे भाई बंधु वैसे तो 3 स्टार हो जाएगा, सो प्लीज अभी आप सबको अटैक कैसा लगा ये 5 अटैक, सो प्लीज मेरे भाई लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि मेरा अटैक ये कैसा था आप सबको। सो अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो मैं आप सबके बीच भाई जैसे कि बहुत यार अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूँ, सो आप सब यार इस वीडियो को पूरा ऐसे इंजॉय करिए। एंड भाई सब्सक्राइब वाला बटन तो भूलिएगा मत भाई, जैसा कि मैंने बोला कि बारबेरियन का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है भाई, तो फिलहाल उसके गुस्से से बचना है तो प्लीज यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस।